नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे होली क्यों मनाया जाता है। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। होली का त्यौहार हिंदू धर्म के पवित्र और मुख्य त्यौहारों में से एक है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। होली एक ऐसा पवित्र त्यौहार है जिसमें छोटे बड़े, अमीर गरीब, जाति पाति आदि सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गले लगते हैं। लोग पुरानी से पुरानी शत्रुता भी होली के दिन भूल जाते हैं, लेकिन इसे मानने के बाद भी बहुत सी लोग नहीं जानते हैं होली क्यों मनाया जाता है। तो चलिए आज जान लेते हैं। वैसे तो होली पर कई कहानियाँ सुनाई जाती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी है जो गहराई से हमारी संस्कृति और भाव से जुड़ी हुई है। इन्हीं में से एक कहानी है। कहते हैं कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का राजा बड़ा ही अत्याचारी और बलशाली असुर प्रजाति का था। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर वो स्वयं को भगवान मानने लगे। उसने सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब लोग ईश्वर की आराधना छोड़कर केवल उसी का आराधना करें, और प्रजा भी डर से ईश्वर के बजाय उस असुर की पूजा करने लगी। और हिरण्यकश्यप का खुद का बेटा प्रह्लाद ईश्वर का अनंत भक्त था, जिस कारण प्रह्लाद अपने पिता की बात में ही मानी और प्रह्लाद ने ईश्वर की भक्ति में ही खुद को लीन रखा। तब हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को मारने का बहुत ही प्रयास किया, पर ईश्वर की कृपा से कोई भी उपाय सफल ना हो सके। तब हिरण्यकश्यप अपनी बहन जिसका नाम था होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी आग उसे जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप के कहने पर होलिका प्रह्लाद को गोद में बैठा कर अपनी चारों ओर आग लगा दी, पर ईश्वर की कृपा अपरंपार होती है। प्रह्लाद तो बच गए पर होलिका जल गई, और इसी घटना की याद में हर साल रात को होलिका जलाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार होली का पर्व राधा कृष्ण के अटूट प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कृष्ण भगवान ने अपनी माँ यशोदा से मार्गदर्शन मांगा था कि वो अपने गहरे नीले रंग और बहुत अलग त्वचा से राधा रानी को कैसे पसंद करे। तब श्री कृष्ण के बात सुनकर यशोदा माँ ने राधा रानी को अपने रंग में रंगने की श्री कृष्ण को सलाह दी थी, और श्री कृष्ण ने राधा रानी को रंग लगाई थी, और तभी से होली की त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, यही दो कहानियाँ होली की त्यौहार का मुख्य कारण बताया जाता है। और आपको क्या लगता है, क्या आज से पहले आप इसके बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके बताना। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए।